हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिक लेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, कारण ये था कि मेरा जो सिम था जिससे मैं नेट यूज़ करता हूँ वो सिम मेरा ख़राब हो चुका था, तो उसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। बट मेरा अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो चलिए आगे, आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपको इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैच आप देख सकते हैं, ये मैच है, तो इस मैच का हम लोग जिक्र करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको पता नहीं चल रहा, इस मैच का हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकें और सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए आपको कुछ स्टेट्स दिखाना है, तो स्टेट्स देखने के लिए आपको चलना होगा हमारे नोट पैड में, वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्लियर वे में सब कुछ जानकारी के साथ में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोट पैड बुक में, ठीक है। तो चलिए हम अपना नोट पैड बुक में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला देख सकते हैं इस जगह न्यूजीलैंड के तरफ से, आप देख लीजिए न्यूजीलैंड के तरफ से आपका एफ एल एन डी कॉनवे ओपनिंग करेंगे। फर्स्ट डाउन आएंगे आपका केन विलियमसन, डेरी मिचेल, टॉम लाथम, ग्लेन फ्लिप्स, मिचेल सेंटनर, ब्रेसवेल, मैट हैरी, टीम साउदी और लॉकी फर्गुसन। इस तरह से न्यूजीलैंड का प्लेइंग एलेवन हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे इंडिया का प्लेइंग एलेवन देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का प्लेइंग एलेवन हो सकता है, धवन, सुमन गिल ओपनिंग करेंगे, श्रेयस अय्यर फाइव डाउन आएंगे, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, उमरान मलिक, अक्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। इस तरह से टीम इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग एलेवन हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं इस मैच में आखिर क्या क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बात है, ये मैच जो है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में आपका थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा, ठीक है। थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा आपका, सॉरी, थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा, आप देख सकते हैं इस जगह पे। उसके बाद आप देख लीजिए ये मैच सुबह के 7 बजे स्टार्ट होगा 30 नवंबर को। तो ये मैच आपका न्यूजीलैंड इंडिया के बीच में खेला जाएगा ओवल में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का पिच रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं यहाँ का जो लास्ट 5 मैचेस का एवरेज स्कोर यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट इनिंग का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 261 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत, मतलब कि मिनिमम है 50 ओवर में, लगभग ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड का ओवरऑल स्कोर क्या रिकॉर्ड रहता है वो देख लीजिए। तो यहाँ का आपका बैटिंग स्कोर, सॉरी, टोटल आपको 14 मैच खेला गया है जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते हुए 8 जीता है और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 6 जीता है। यहीं पे देख लेते हैं बैटिंग फर्स्ट एवरेज, यहाँ पे देखिए 257 है, वहीं सेकंड इनिंग का 197 है, ठीक है। यहाँ का टोटल हाईएस्ट स्कोर 341 रन 9 विकेट पे है, लोएस्ट स्कोर देखा जाए तो 117 पे 10 विकेट है। हाईएस्ट चेस किया गया जो रन है वो 261 पर 7 है और लोएस्ट जो डिफेंड किया गया है 131 रन पर 4 विकेट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, आगे देख लीजिए और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे टोटल मैच जो दोनों टीमों के बीच में खेला गया है यहाँ पे देख सकते हैं 110 है, वहीं पे न्यूजीलैंड 50 जीता है
और इंडिया 55 जीता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में लेकर चलिएगा। न्यूजीलैंड 3 लगातार हार के आ रहा है, वहीं इंडिया 1 हार के आ रहा है, ठीक है, और 2 जीत के आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोनों टीमों का जो की प्लेयर हो सकते हैं उसका रिकॉर्ड क्या क्या है वो देख लीजिए, और कौन कौन सा प्लेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इस जगह पे देखिए डी कॉनवी 28 रन, 25 रन, 59 रन, 24 रन, केन विलियमसन 23 रन, 8 रन, 40, 61, 94, टॉम लाथम 0, 69, 43, 0, 145, टीम साउदी 1, 2, 3, 2, 3, लॉकी फर्गूसन 3, 2, 0, 3। मतलब लॉकी फर्गूसन टीम साउदी बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, वहीं बैटिंग में आपका डी कॉनवे, केन विलियमसन और टॉम लाथम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वहीं इंडिया की तरफ से देख लेते हैं शिखर धवन 33, 40, 4, 13, 72, शुभमन गिल 33, 130, 3, 28, 50, श्रेयस अय्यर 113 नॉट आउट, 28 नॉट आउट, 13, 0, 80, सूर्य कुमार यादव 30, 61 नॉट आउट, 14, 111 नॉट आउट, 13। वहीं पे दीपक चहर देख लीजिए 3 विकेट, 2 विकेट, 0, 2 विकेट, 0, 1 विकेट, और यहाँ पे देखा जाए तो अक्षदीप सिंह 1 विकेट, 0, 0, 4, 0। वहीं पे यजवेंद्र चहल 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, मतलब एवरेज ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन ठीक ठाक रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आपका बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन हो सकते हैं न्यूजीलैंड के तरफ से और इंडिया के तरफ से, और वेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन देख लीजिए। बेस्ट परफॉर्मर जो न्यूजीलैंड के तरफ से होंगे आप इस जगह पर देख सकते हैं एफ एल एन, डी कॉनवी, केन विलियमसन, डैरी मिचेल और आपका टॉम लैथम। इंडिया की तरफ से देख लीजिए शिखर धवन, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव बेस्ट परफॉर्मर इंडिया की तरफ से। वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन का बात करें तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं केन विलियमसन, डी कॉनवी, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, 4 इम्पोर्टेंट आपके लिए पिक हो जाते हैं, ठीक है। अभी इंजरी में कोई अपडेट अवसर देखने के लिए नहीं मिला है, बाकी आपको चलिए टीम किस तरह से बनाना है वो आपको टॉस अपडेट आने के बाद आप टीम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डेमो टीम आपको समझाने के लिए बना देता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम टीम क्रिएट करते हैं। तो चलिए उसके लिए चलना होगा हमें अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में। तो हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आ चुके हैं, तो सिंपली जिस मैच में हमें टीम बनाना है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपली आपको क्रिएट टीम पर क्लिक कर देना है। क्रिएट टीम पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि आपको पिच रिपोर्ट जानना होता है, तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए आपका बैलेंस है, दोनों बॉलर और बैट्समैन को दोनों सपोर्ट करेगा, पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एवरेज स्कोर 212 है, और जो ग्राउंड है आपका देखिए कहाँ खेला जा रहा है मैच वो आपको दिखा देते हैं, ओवल में खेला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, हमारे पास जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है टॉम लाथम, डी कॉनवी, ऋषभ पंत, आप चाहें तो तीनों के तीनों अच्छे बैट्समैन हैं, बट सेफ टीम जाना चाहते हैं अगर 2 मेंबर 3 मेंबर खेल रहे हैं तो आप ऋषभ पंत को इग्नोर करके जा सकते हैं, ठीक है, दोनों के साथ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बैट्समैन सेक्शन से, बैट्समैन सेक्शन से शिखर धवन, केन विलियमसन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ग्लेन फिलिप्स को अगर आप चाहते हैं तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं, जीएल में, ठीक है, और एसएल में अगर खेलना है तो सुमन गिल के साथ जा सकते हैं। और आगे देख लेते हैं एफएलएन को आपको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, एफएलएन जीएल पिक है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन में डैरी मिचेल है जो आपको जीएल में इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे, तो जीएल में आप इनको ट्राई करिए, मिचेल सेंटनर जीएल पिक हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी जीएल पिक हैं, ट्राई कर सकते हैं।
साथ ही साथ दीपक हुडा भी आपके लिए जीएलपिक हो जाएंगे, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर सेफ टीम में ले सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन से, टीम सऊदी, उसके बाद आ जाइए लॉकी फर्गुसन और आपका उमरान मलिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कप्तान वाइस कप्तान सेलेक्ट करना है, तो कैप्टन आप देख सकते हैं सभी लोगों ने सूर्य कुमार यादव के साथ जाना पसंद किया है, तो आप चाहें तो सूर्य कुमार यादव के साथ जाइए, सुमन गिल के साथ जाइए, टॉम लाथम के साथ जाइए, केन विलियमसन के साथ जाइए, शिखर धवन के साथ जाइए, सभी एक से एक दावेदार हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव के साथ सभी जा रहे हैं तो आप भी जा सकते हैं सेफ टीम के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिस्की बनाना है तो आप सुमन गिल के साथ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन में केन विलियमसन के साथ जाना पसंद करूंगा, ठीक है। टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी जो कुछ भी है टॉस अपडेट आने के बाद मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप बिना किसी देरी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जो से जो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ सके, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।